ये हमारा भैया शैलेश भैया का सेटअप है, जो हम सब ट्रेनिंग लिए थे लगभग 4-5 महीने पहले। सेकंड ट्रेनिंग बैच में थे हमारी ये। यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं, बड़ी मछली पकड़े हैं। रूपचंदा है, ये रूपचंद्रा है। ये गलती इनसे क्या हो गई, इधर करिए सर वीडियो थोड़ा। ये गलती इनसे ये हो गई सर से, सर का है फार्म, ये ट्रेनिंग लेकर के गए थे सर। सर कितना दिन हुआ डाले सर, तेज बोलिएगा। 3 महीना हुआ। 3 महीना, 3 महीना। और 1 महीने से फीड भी नहीं उठा रही है, 1 महीने से ठंडे की वजह से वो फीड्स खा नहीं रही। और सर ने बायोफ्लॉक में किया था और सारा इंस्ट्रक्शन फॉलो किया, लेकिन उसके बावजूद इसमें सर ने गलती क्या कर दी कि 2 दिन लाइट कट गया इनके वहाँ और बैकअप नहीं था, जिसके वजह से फ्लॉक सारा डेड हो गया। अभी बताया कि लगभग 50-60 मछलियाँ मर गई, कुछ दिख भी रही होंगी इसमें। तो तत्काल हम लोग आए हैं, तुरंत इसका पानी बोला गया कि ड्रेन करके निकाल दिए थे और ये फ्रेश वाटर भरा गया। अभी कुछ कुछ मछलियाँ ऊपर आ भी रही हैं मर करके, और इसमें आप ग्रोथ देख सकते हैं। एक बड़ी मछली पकड़े हैं, ये लगभग 200 ग्राम का ग्रोथ है इनका। ये 200 ग्राम की मछली है, हाथ में देख सकते हैं ये कितनी बड़ी है ये रूपचंद्रा। और थोड़ा मछली दिखाइए सर, बढ़िया से मछली दिखाइए लोगों को। बोलिए अब हम लोग को दिखाते हैं भाई लोग, जो है ये देखिए, जो है ये सारी जो है अभी ऊपर आई हुई हैं, जो है अब इसमें थोड़ा ऑक्सीजन मेंटेन हुआ तो अब ये धीरे धीरे जो है अब नीचे जा रही हैं। अदरवाइज ये जो हम तो लगा, अगर टाइम से नहीं आते तो पूरा टैंक साफ हो जाता है। ये आज जो है संडे का दिन था जो है, तो हम लोग कहें भैया जितने लोगों का फार्म हम लोग लगवाएं कम से कम विजिट करें जो हमारे लोकल के लोग हैं, और देखें कहीं कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं आ रही है। लगभग सब 20-25 तो इधर मर गई हैं जो निकाला गया है। देखिए बता रहे हैं, जबकि काफी घनत्व में डलवाया गया था। इसमें 2000 बच्चे हैं। हाँ, ये इधर उधर दिखाइए कितने मर गए सर। ये सब मरी हुई है, इसी में से जो है रूपचंदा। इसमें रोहू भी था ना, 3-4 पीस खत्म हो गए। देखिए भाई लोग, ऑक्सीजन कम होने का जो इफेक्ट होता है वो बहुत तगड़ा होता है, ठीक है। ऑक्सीजन कम होने से बहुत ही, ये भी 200 ग्राम से ऊपर की है मछली, है ना। 200 ग्राम से ऊपर की हो, अगर ये हमें लगता है कि अगर आज हम नहीं रहते हुए तो कल साफ तो पूरा साफ हो जाती है। हाँ, अगर नहीं रहते हम लोग परेशान थे। सही बात है, नहीं अब देखिए इसका बदल गया कि नहीं बदल गया, कोई से मुंह खोल के खड़ा रहने। अब देखिए राउंड मारने लगी, देखिए राउंड मारने लगी, अंदर चली गई। डीओ बिल्कुल खत्म हो गया था, फ्लॉक बिल्कुल डेड हो गया था इसमें, ठीक है। डेड होने की वजह से जो है लाइट कटने का जो है, जो लोग कहते हैं सर बायोफ्लॉक में लाइट कट जाए तो क्या होना चाहिए भैया, उसका जो प्रभाव होता है बहुत बुरा होता है। कोशिश कीजिए कि आपका बैकअप जो है 24/7 होना चाहिए, एरिएशन आपका हाई रखना चाहिए, ठीक है। एरिएशन से कोई समझौता नहीं है बायोफ्लॉक में। सर मैं सोचा कि 2 महीने मेरी चल जाएगी मछली, देखिए एक रोहू है उसमें, कॉमन काट रोहू, बहुत अच्छा ग्रोथ था उसका। सर ने सोचा कि ऐसे ही चल जाएगा, 2 दिन कोई दिक्कत नहीं। अभी सुबह मछलियाँ मरनी शुरू हुई। सही तो ये था कि हम लोग थे तो आ गए, तुरंत विजिट किए यहाँ पे, तो बोला गया पानी आप निकालिए, नया पानी भरिए। संडे के बाद भी मछली काफी मर गई है। संडे का यही होता है भाई, हम लोग विजिट करते हैं जो भी फार्म हमारे पास आसपास के लोग रहते हैं, जहाँ पे हम लोग जा सकते हैं पॉसिबली वहाँ हम लोग जाते हैं। अब इसमें जो है डीओ हमने जो है मछली का पाइप इसमें डलवा दिया है, जीओ इससे थोड़ा सा मेंटेन हुआ है। इसमें जो है मछली देखिए एक्टिव हो रही है धीरे धीरे, मतलब ये सारी मछलियाँ आके ऊपर मुंह खोल के पूरा बैठी हुई थी, सब की सब ऊपर आ गई। बहुत अच्छी साइज है सर मछलियों की, ग्रोथ बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा ग्रोथ है सर। मतलब छोटी जो मछली वो भी 150 ग्राम की है, 150-200 ऐसे मछलियाँ हैं सर। अब ये देखिए जो है ज्यादा या 3-3.5 महीना और लगेगा सर जो है ये इजली हार्वेस्ट। सर अगर ये ठंडी नहीं आता तो सब 200+ हो जाती मछली। बहुत अच्छा ग्रोथ है, कई लोगों के टैंक में 60 दिन 50 दिन 1 महीने में 50 ग्राम की जा रही हैं, तो उनका हम नहीं बता सकते हैं, उनका तो हम नहीं बता सकते हैं। देखिए पकड़े हैं बड़ी मछली को, देखिए उसमें सर पानी रखिए नहीं तो वो मर जाएगी बेचारी। आप साइज देखिए कितनी कितनी अच्छी साइज है इनकी, ये 200 ग्राम से प्लस में ही है ये मछली। पकड़ लिया, देखिए देखिए एक मछली और मरी हुई है, मछली थोड़ी छोटी है। अभी और भी इसमें मरेंगी सर, हमें लग रहा है इसमें से जो है 20 मरी हुई है, बीच अभी 20-25 से 50 मछली और मरेंगी इसमें से, अभी 50 मर जाएंगी, उसके बाद जो बची रहेंगी इसमें हमने इमीडिएट हमने सॉल्ट वगैरह ऐड कराया भाई लोग, सब मछली है। 10 किलो अभी नमक इसमें ऐड हुआ है, हम लोग अभी डलवाएं इसमें इमीडिएट अभी, और फिर इसके बाद हमें कुछ समय के बाद इसमें फिर वाटर प्रिपरेशन कराएंगे, जब सारा जो है इसमें सब कुछ सही हो जाएगा, सब परफेक्ट हो जाएगा। तो 150 ग्राम 200 यही साइज है इनका, जो बहुत एक आध छोटी मछलियाँ हैं वो 100 ग्राम की हैं। ऐसे सर दीजिए, हमको दीजिए एक बार, ज़्यादा नहीं छेड़ना है, आराम से निकालिए, पकड़िए सर ये। नहीं नहीं वो नहीं है, छोड़ दो।
साइज देख सकते हैं तो कोई भी मछली 150 ग्राम से कम की नहीं है। अब छोड़ दीजिए सर, अब मत डालिए कोई, ठीक है। अब इसमें डिस्टर्ब मत करो, ऑक्सीजन सर चलने दीजिए पूरा। अभी एक घंटा में ये मेंटेन हो जाएगा, तो इस तरह की गलती ना करें। कभी सोचें कि 2-4-5 घंटे, आधा घंटा आप चल सकते हैं, लेकिन वो भी जब हाई डेंसिटी रहेगी तो नहीं चल सकता, नहीं चल पाएंगे। इसमें डेंसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। 2000 में होगा, 2000 के बच्चे हैं, 2000 बच्चे हैं, 2000 बच्चे हैं ना, 2000 बच्चे हैं। इतना नहीं रखना है, इतना डेंसिटी भी हम लोग को नहीं रखना है। मोर्टैलिटी सर कितनी हुई होगी अभी तक, कितने मर गए हैं अभी तक, इसमें कितनी मर गई हैं अभी तक? हमको लगा कि कल से लाइट नहीं है तो लगभग 100 पीस के लगभग मर गए, 100 पीस मर गए। और इसके पहले जब आप इसमें डाले थे बच्चा, तब से बहुत नॉर्मल नॉर्मल। चलिए ठीक है, अब सही हो जाएगा ये। इसमें नमक थोड़ा सा, 5 किलो और ले लो, 5 किलो और ले बाबू, 5 किलो और नमक ले लो इसमें, वही खौलाते हैं इनके, ठीक हो जाएगा, गल जाएंगे। अभी जो मरने लायक रहेंगे वो मर जाएंगे अब, ठीक है, और जो बच जाएंगी वो फिर मोर्टैलिटी नहीं होगी इसमें, सही हो जाएंगी। वो जो पहले की मरी हुई है सब, वही सब ऊपर आ रही है, बार बार ऊपर नीचे हो रही है ना, ऐसे लग रहा है कि और बहुत ज्यादा मर गई है सब। तो ये देखो दोस्तों, बिजली का जो ध्यान रखना है, सीधी बात है, ऑक्सीजन का रोल है भाई लोग, जो है लाइट नहीं आई, ऑक्सीजन खत्म हुआ, खत्म होने का ये इम्पैक्ट आ गया इसका। तो ऑक्सीजन से कोई समझौता नहीं बायोफ्लॉक में, जहाँ करेंगे आप तो आपका पूरा टैंक आपसे समझौता कर लेगा, सिस्टम ही पूरा, तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। एरिएशन का बहुत बड़ा रोल है, एरिएशन एंड टेम्परेचर, वही चीज़ें मेन, बहुत मेन है ये। बाकी सब टैंक है, इसमें सब पंगासियस डाला जाएगा, वो पंगासियस पड़ेगा अब जी देखिए नेक्स्ट मंथ के लास्ट में पड़ेगा जो है, या फर्स्ट वीक तक हम लोग डाल देंगे उसमें, जब बच्चा मिल जाएगा हम लोग को। मच्छर कुछ है आराम में, है ना, कुछ बहुत आराम में है, चलो रख लीजिए। सब लोग मुंह बा के ऊपर नहीं आ गए थे, हाँ अब देखिए अब आराम से है सब, अब कोई दिक्कत नहीं, खत्म हो गया, सही है, धीरे धीरे अब झुंड में आ गए है ना सब, ठीक है। जिनको मरना है, क्योंकि देखिए कुछ का आँख व्हाइट हो गया था, वही मरेंगे जो मरना है, पर्दी चढ़ गया था। अगर गड़बड़ नहीं हुआ तो मुझे अंदाजा था टेम्परेचर अगर बढ़िया रहा होता। इसमें देखिए कहीं से कोई बीमारी का कोई सिम्टम्स नहीं है, कहीं कुछ नहीं, नहीं सिर्फ और सिर्फ जो है इसमें जो है ऑक्सीजन की वजह से डीओ कम हुआ उसी से मर गई। अभी भी देखिए जब तक नहीं डाले थे, देखिए सब मछलियां ऊपर ही आके मुंह खोल के बैठ गई थी सब, जो ऑक्सीजन नहीं हटाएंगे। उसके बाद देखिए अब जो सही हुआ तो थोड़ा मछलियां नीचे जा रही है, अभी थोड़ी देर बाद जो है अभी जैसे डालते है ना इसको बाहर ही एक बाल्टी में, बाल्टी में जो है 8 किलो पड़ा हुआ है, भाई मिला रहा है, प्रिंसिपल मिला रहा है, अभी और नमक डाला जा रहा है। नमक का भी रोल है भाई, बहुत बड़ा रोल है इसमें नमक का, स्ट्रेस से इनको दूर रखने के लिए नमक का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। जब घुल जाएगा ना तो डब्बे से इसे इसे करके डाल दीजिएगा, मरी हुई है। नमक को ऐसे भी डाल सकते हैं आप लोग जो है, बट आप चाहेंगे कि नमक को बाल्टी में ऑलरेडी पहले घोल लीजिए पानी में, पानी में घोल के जब मिलाएंगे तो इंस्टेंट उसका काम ज्यादा ही बेस्ट है, क्योंकि ये अभी जाने के बाद अभी नीचे आधा घंटा लगेगा घोलने में, घोलने में टाइम लगेगा ये, और आप पहले से घोल के रखे रहेंगे तो बहुत आराम रहेगा उससे। सर नमक दिखा दीजिएगा लोगों को, कौन सा नमक डाला था मैं व्लॉग में, क्लिक कर दीजिए। देखिए ये आपका जो है बड़ा वाला नमक है, विदाउट आयोडीन नमक है, ठीक है, बिना आयोडीन का ही नमक है, 3 घंटा में सब रिलैक्स हो जाएगा, नमक स्ट्रेस दूर करती है। अभी बहुत सारी देखिए सब नीचे चली गई हैं, सब नीचे चली गई हैं, ये शायद आज किस्मत सही थी, ये बच गई जो है, नहीं तो नहीं तो कल तक का खत्म था खेल इनका, किस्मत थी आ गए हम, आ गए हम। चलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, चलिए भैया से थोड़ा सा बात भैया, जो मरना होगा पच्चीस बच्ची जो मरना का मरेगी इसके बाद नहीं मरेगी, क्योंकि सब पहले से ही बीमारी थोड़ी हुई है। भैया बहुत खुशी है कि आप लोग आ गए हमारे वहाँ, और ये भी खुशी है कि आपने ट्रेनिंग हमको दिए, और देने के बाद आप जो आ करके विजिट कर रहे हैं बहुत अच्छा लगा। आज हमारी जो पूजी थी आज बच गई, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। चलिए हम भी आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप खुश हैं हमारे आने से, क्रेडिट दे रहे हैं उस चीज के लिए, हमारे ऊपर आपने जो विश्वास और भरोसा जताया हमारे पास आया जो है, तो हम चाहते हैं कि ये चीज हमारा कायम रहे,
और भैया के साथ ही नहीं, जितने लोग भी रहेंगे जो है हमारे पास, जिनके पास हम नहीं पहुंच सकते हैं, तो हमसे डायरेक्टली भैया टेलीफोनिकली आप वो कीजिए, कॉन्टेक्ट कीजिए। कभी बनता है कि हम अगर बाहर निकलते हैं, किसी स्टेट में आते हैं, तो डेफिनेटली हम उनके प्लांट पे विजिट करेंगे। हम टेलीफोन से या कैसे भी जो है, हम हर तरह से उन लोगों से लगा कि बिना बुलाए आपने फोन किया कि आपके वहाँ वेट करना है, ये बहुत अच्छा लगा। और आए तो हमारी सारी मछलियाँ बच गई, और ना हो सकता है हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। यही चीजें दोस्तों, ठीक है, ट्रेनिंग सबको ही ले लेता है, लेकिन से कम मछली नहीं है, बहुत जरूरी होता है। 2 क्विंटल प्लस सर, ठीक है, यहीं पे विदा लेते हैं हम लोग जो है, ठीक है। बाकी नए वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर अपडेट हम लोग देते रहेंगे, ठीक है, और बने रहिए आप लोग दोस्तों, ठीक है। 16 फरवरी को हमारे यहाँ गोरखपुर की जो हमारी ट्रेनिंग है, जो कमर्शियल फार्म है हमारा, जो सीमेंट टैंक पर, उस पर हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। उस पर जिन लोगों को भी लेना होगा, चाहे कहीं से भी हो, आप लोग अगर सीखना चाहते हैं बायफ्लॉक सही तरीके से, तो फॉर्म पे हमारे विजिट कीजिए। 16 फरवरी 9 AM साफ हम लोग स्टार्ट करेंगे, शाम के 7 से 8 बज जाएगा टाइम, उसी हिसाब से आप लोग मैनेज करके आइएगा आप लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है भाई, नमस्कार, बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, और चैनल को अपडेट देते रहेंगे हम। चैनल को अगर नए लोग हैं तो प्लीज प्लीज करके आप जो हमारे चैनल को जो है, पहले तो वीडियो जो है उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जो है आप जो है उसको कीजिए, साइड में आपको बेल आइकॉन दिख रहा होगा उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी जैसे ही नई वीडियो हमारी पड़ेंगी आपके पास इमीडिएट नोटिफिकेशन चला जाएगा। कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए, अभी और भी सारे अपडेट हैं, जो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, जानकारी है, वो आपको देते रहेंगे टाइम से। तो बस हम ये रिक्वेस्ट करेंगे आप चैनल पे बने रहिए। और एक चीज और इनको बता दिया जाए, इसमें लगभग 2000 पीस डाले थे, तो नियर अबाउट इसमें 1800 पीस मछलियां हैं लगभग, जैसा बता रहे लगभग 100 मर गई हैं, मर जाएंगी लगभग सब ले के, कुल ले दे के 200 चाहे 300 मरेंगी। तो इसमें अब फिर से फ्लॉक को बनाया जा रहा है, मुश्किल है, थोड़ा डिफिकल्ट काम है बनाना, एक बार गड़बड़ हो जाने पे ही दिक्कतें आती हैं। तो इसके बाद क्या करेंगे, घना तो अधिक हो जाएगा सर, तो फिर मछलियां ग्रेडिंग करके आधा पानी उसमें आधा करके ऐड करके पानी, और आधा आधा कर देंगे इसी पानी को हम लोग उसमें, आधा उसमें और आधा को डिवाइड करके इसमें से उसमें, हाँ, फिर पानी उसको फुल कर देंगे, और जो पैरामीटर जैसे मेंटेन करना कर देंगे उसको। क्योंकि अगर 200 ग्राम, अगर 2000 बच्चे रहे, मान ली सपोज 1800 बच्चे हैं, अगर एक बच्चे का वजन अगर 500 ग्राम, 9 क्विंटल चला जाए, हम 120 ग्राम एवरेज रख के बोले, 120 तक, तभी 2 क्विंटल मछली तो ले नहीं पाएंगे। मैक्सिमम वेट सर 500 ग्राम लेके जा रहे हैं, तो डेंसिटी बहुत, 400 से ऊपर कभी नहीं रखना है, अगर इजिली चलाना चाहते हैं तो, ठीक है। बस तो यही विदा लेते हैं, ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।